वेलकम टू माई YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मनोज दास। मनोज दास एक इंडियन ऑथर हैं जो कि उड़िया और इंग्लिश में लिखा करते हैं। इनका बर्थ हुआ था 27 फरवरी 1934 उड़ीसा में बालासोर नाम की जगह पे। एंड इनको अवार्ड्स मिले हैं, सरस्वती सम्मान मिला है, पद्मश्री मिला है 2001 में एंड विच इज़ द फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण मिला है 2020 में एंड विच इज़ द थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर इंडिया। एंड ही हैज़ been a notable figure for the contribution in literature and education. So ये एक writer, columnist, editor और professor रह चुके हैं। And notable works की बात करूँ तो Cyclones नाम की इनकी जो creation थी वो काफ़ी famous हुई है, a Tiger at Twilight, Mystery of the Missing Cap, Myths, Legend, Concepts and Literary Antiquities of India, इस तरह की चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। And he is very famous for his contribution और इनको बहुत सारे awards मिले हैं, जैसे for example उड़ीसा साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, सरला अवार्ड, विशुभा अवार्ड, साहित्य भारती अवार्ड, सरस्वती सम्मान जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उड़ीसा स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी, पद्मश्री, पद्म भूषण मिल चुका है, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिल चुका है, आतिबाड़ी जगन्नाथ दास अवार्ड ये भी इनको मिल चुका है और इस तरह के बहुत सारे अवार्डों से इनको नवाजा गया। इनके अगर मैं सिलेक्टेड वर्क्स की बात करूँ तो इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ काफ़ी फेमस हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस, स्पेशली उड़ीसा की लैंग्वेज में बहुत सारी स्टोरीज़ को लिखा है। लेजेंड ऑफ द गोल्डन वैली हो गया, या मनोज पंच बिमसाती हो गया, द क्रोकोटाइल लेडी अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ हो गया, मनोज दसंग कथा ओ कहानी जो इन्होंने उड़ीसा में लिखा है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी मेजर रहे हैं। आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।